बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किसी भी जार फाइल को, जार एक लाइब्रेरी फाइल होती है, किसी भी जार फाइल को कैसे इंक्लूड करवा सकते हैं। तो जार फाइल्स आमतौर पे कुछ तो होती हैं जो कि हमारे पास ऑनलाइन रिमोट लोकेशन पे मौजूद होती हैं, जिस तरह हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में ये कुछ लाइब्रेरी यूज़ की हैं जो कि रिमोट लोकेशन पे ऑनलाइन मौजूद हैं। हम सिर्फ उनका नाम लगाते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो खुद बहुत उनको डाउनलोड करके उनकी जार फाइल्स को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो है ना रिमोट लोकेशन पे मौजूद नहीं होती जहाँ से हम इनको यूज़ कर सकें, तो हमें इनको डाउनलोड करना पड़ता है और इसको मैनुअली जो है ना उस एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करना पड़ता है। तो आज हम उसका तरीका देखते हैं। तो उसके लिए हमने जो आज लाइब्रेरी शामिल करनी है उसका नाम है अपाची कॉमन्स, और अपाची कॉमन्स जावा के अंदर बहुत ही मशहूर लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सी यूटिल्स मतलब क्लासेस हैं जिससे हमारा कोड, हमारा काम जो है ना आसान हो जाता है। तो उसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे डाउनलोड अपाची कॉमन्स जार वर्जन 3। तो इस पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड अपाची कॉमन्स, जो हमारे पास सेकंड लिंक आया है इस मैंने क्लिक किया। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट जो है ना ऑप्शन आ रही हैं, तो मैंने यहाँ से जाना है लैंग के अंदर और ये अपाची कॉमन जो है ना इसकी लैंग को मैंने डाउनलोड कर लेना। तो ये देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और अब मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आऊंगा। इसको मैंने यहाँ से कट किया, डेस्कटॉप पे ले आया। तो ये जो है डेस्कटॉप पे फाइल है, इसको मैं करूंगा एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये मुझे एक फोल्डर देगा, इस फोल्डर के अंदर मेरे पास जार फाइल्स होंगी। तो इनमें से मैंने सबसे ऊपर वाली जो है ना फाइल, जार फाइल कॉमन स्लैंग, इसको मैंने कॉपी करना है और एक बार ये कंप्लीट हो जाए, इसको मैंने कॉपी किया एक कॉमन स्लैंग 3.3.10, इसको मैंने कॉपी करना है और एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है। तो जो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर मैं शामिल करना चाहता हूँ, मैंने उसके ऐप में जाना है, बल्कि मैंने इसे इसका जो व्यू है वो मैंने कर देना प्रोजेक्ट, और मैंने जाना है ऐप के अंदर लिब्स फोल्डर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना ओके। और पेस्ट करने के बाद मैंने जाना है लिब्स फोल्डर के अंदर और इसको मैंने कर देना है, इसमें मैंने ऑप्शन जो चूज़ करनी है वो है ऐड एज लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करिए ओके कर देना। तो ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एज अ लाइब्रेरी, एज अ डिपेंडेंसी शामिल हो जाएगी। तो देखिए इसने क्या चेंजिंग की है, मैं दोबारा जाता हूँ एंड्रॉयड में और बिल्ड डॉट रेल, देखें इसने ये लाइन जो है ना खुद बहुत शामिल की है ताकि एंड्रॉयड स्टूडियो में जो इसकी कोडिंग है इसके साथ ये भी जार फाइल शामिल हो जाए, इस प्रोजेक्ट को वो मतलब फाइल मिल जाए। अब मैंने जाना है मेन एक्टिविटी के अंदर, अब मैं इसका एक अपाची कॉमन्स का एक कॉल करूंगा फंक्शन जिसका नाम है स्वैप स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट स्वैप स्वैप केस। तो ये उसका केस स्वैप करेगा। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ अक्रम, तो जो मुझे इससे आउटपुट मिलेगी स्ट्रिंग आउटपुट वो होगी ये कि अक्रम में से इसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे क्योंकि इसका केस स्वैप हो गया। अगर ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे अक्रम ऐसे स्मॉल में, तो ये सारे के सारे कैपिटल होते हैं। जो स्वैप केस का काम है वो ये है कि जो जो इसके अंदर मतलब लेटर्स हैं उनका केस को, उनके केस को स्वैप कर दो, रिवर्स कर दो।